तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं, 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात, एक बेग साहब गए हैं 2014 में, हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजंस दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स। इनका जो वोट शेयर है फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65% जब ये हमारे साथ लड़ता, तब हम दूसरे नंबर पर आते थे, 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन, इन 2019 455,000 वोट पड़ा, 133,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया, 322,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, विच इज 71%, येट दे वेंट देयर। फॉर एवरी वन वोट पोल्ड फॉर देम, 2.5 वोट्स वर पोल्ड अगेंस्ट देम, येट बाय, बट दैट्स व्हाट इलेक्शन इज। सो द रीजन आई केम हियर इज दैट आई हैव हैड सम कन्फैबुलेशंस, इज दैट आई एम कमिंग हियर टू अपील टू माई वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर अल्ताफ बुखारी, that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, ki hum unconditionally support karenge baki jagahon par, bilkhusus Srinagar mein, wo party jo hume lage ki challenge de sakti hai, aur wahan hume lagta hai ki wo challenge de sakte hain. Lekin वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड टू सपोर्ट देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन दे टेक हियर, बट वी वुड मेक दिस अपील टू देम कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना करें, लेट एनटी एनसी वोट्स टुगेदर वो इकट्ठे आ जाएं, और जो मैंडेट ऑफ पीपल है विच इज टू सेंड अ रिप्लेसमेंट, वो ड्रीम जो है पूरा हो जाए। सो दैट वॉज द होल आइडिया। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है, because I want the press conference today, at least I'm holding one more after some time, but aaj ki press conference is basically meant to seek support, appeal to Mr. Altaf Bukhari ki wo jo apni party hai wo hame North Kashmir mein candidate na uthaye, wahan fragmentation of vote na. So the only agenda of this press conference to appeal to the party, hey, must I see it nahi rahe kya bana Sajjad sir, you are saying apni party, but there is a also a statement from this Engineer Rashid party that he will also be contesting. Filhal, hamari our confabulations have taken place with some leaders of apni party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. Agar hamara confabulation kisi aur se bhi ho, so we will. So you are open. I am open to anybody, but as on date, I want to restrict this to. अपनी पार्टी, बिकॉज उनके साथ हमारा कन्फेबुलेशन हुआ। सर, प्रेम खान के भाई खान भी आप तो मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा कन्फेबुलेशन का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। सर, विल यू बी सपोर्टिंग अपनी पार्टी इन श्रीनगर देन फॉर एनटी एनसी वोट? 100% यस, वी हैव ऑलरेडी कन्वेड टू देम दैट वी वुड बी, बिकॉज़ हम नहीं, वेदर वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था, अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो है हम। सर, इन कमिंग डेज विल बी एबल टू सी सज्जाद बिन अल्ताफ बुखारी सिटिंग डाउन एंड ट्राइंग टू फॉर्मुलेट दिस एंटायर वोट कॉम्बिनेशन? ये वंस दे सपोर्ट अस देन वो तो ग्राउंड पर बाकी लीडर्स ने करना है, यू नो, वो तो फिर ऑफ कोर्स व्हेन दे सपोर्ट उनके लोग तो देयर लीडर्स विल कम एंड सपोर्ट इफ दैट्स व्हाट यू मीन। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब इतनी बार बोला है तो अब वो लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ स्टिग्मा then that they cannot, they are not untouched by that stigma. If anything, Umar Abdullah Saab has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level. So there is one was the chief minister, so
फॉरेन मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, मैं पशुपालन मंत्री, मे लगे पन चेक पा ही लगे. सो इट इट इज दैट हार्डली दैट डज नॉट मैटर. देखो और एक चीज आपको मैं बता दूं, दैट व्हेन यू आल्सो शूट ऑफ क्वेश्चंस एट अस, नाउ 71% वोट्स अगेंस्ट एनसी, आर यू टेलिंग मी दे आर ऑल स्टूजेस ऑफ बीजेपी, दे आर ऑल बॉट बाय बीजेपी? इज बीजेपी सो स्ट्रांग इन कश्मीर दैट इनडायरेक्टली दे हैव 71% वोट्स? सो व्हेन मिस्टर उमर अब्दुल्ला अटैक्स अस, he has to know that we represent people. He is attacking them, not us. So let him stop humiliating the people of Kashmir and let him come and attack us on issues. Because whatever he does, maybe he is doing it unintentionally, but they end up humiliating the people of Kashmir. Stooges, sellout, traitors, they are talking about people. 71%. ये 2019 का है. और बीजेपी कौन सी बड़ी तोप है यहाँ? They have got 1.2% वोट इन नॉर्थ कश्मीर एंड 0.2% वोट्स इन श्रीनगर. स्टैटिस्टिकली द वोट्स दे गॉट इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज वी लॉस्ट बाई 6%. सो इन द नॉर्थ कश्मीर गेम स्टैटिस्टिकली टू बी सिग्निफिकेंट यू नीड एटलीस्ट 6% वोट्स, ओनली देन यू कैन मेक अ डिफरेंस. पर स्टैटिस्टिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मगर ये जो है और यू कैन सीक हेल्प बट स्टैटिस्टिक्स इज सिंपल स्टैटिस्टिक्स है दैट बार बार यू नो यू यू आर एक्चुअली ओनली देन यू कैन मेक अ डिफरेंस. पर स्टैटिस्टिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मगर ये जो है और यू कैन सीक हेल्प बट स्टैटिस्टिक्स इज सिंपल स्टैटिस्टिक्स है दैट बार बार यू नो यू यू आर एक्चुअली यू नो पुटिंग इन इन पीपल्स माइंड्स कि क्या था चूज एरिया तुम चुकुम था दैट देयर वो कोई तोपे हैं. तोपे ऐसी कोई नहीं. यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर इन इलेक्शंस इन द प्रीवियस इलेक्शंस टू बी आई मैं किसी को मैं देयर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन इंडिया बट इन कश्मीर वैली दे स्टिल इलेक्टोरली आर नॉट सिग्निफिकेंट एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन. अगर अल्ताफ साहब ने कोई बात बोली है तो आप उनसे पूछिएगा. मैं सपोर्ट किसी से भी मांग रहा हूँ उसमें क्या है, ही इज अ कश्मीरी, आई हैव एवरी राइट टू सपोर्ट.